एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो बेसिकली आप बोल सकते हो आज के लेक्चर के अंदर हम वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि टिश्यू होता क्या है। तो देखिए, इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, बहुत सारे सिमिलर सेल्स, एक ग्रुप सिमिलर सेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, तो उसे बोला जाता है टिश्यू। इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंटर सेल्यूलर सब्सटेंसेस परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टिश्यू। ओके, तो बहुत सारे सेल्स का ग्रुप विद अलोंग विद द इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, उसे आप बोलते हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप बोलते हो टिश्यू। ओके, नाउ अब अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो आपके पास चार ब्रॉड तरीके के एनिमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से सबसे पहले होता है एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड देन न्यूरल टिश्यू। सो आज हम सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को बहुत अच्छे से डिटेल मैनर में स्टडी करते हैं। सो अब अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसके पास फ्री सरफेस होता है। अब फ्री सरफेस का मतलब क्या है? Which faces either a body fluid or the outside environment. मतलब ऐसा टिश्यू जिसके पास फ्री सरफेस होता है, जिसका फ्री सरफेस या तो बॉडी फ्लूड को फेस करे या फिर आउटसाइड एनवायरमेंट को। ओके, फंक्शन की अगर हम बात करते हैं एपिथीलियल टिश्यू के, तो फंक्शन होता है प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या तो किसी बॉडी पार्ट की कवरिंग बनाएगा या फिर लाइनिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? एपिथेलियल टिश्यू। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद इन द लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। सेल्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास अटैच्ड होते हैं, इसी वजह से या तो इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा नहीं, अगर होगा तो बहुत कम होगा, मिनिमम अमाउंट में होगा। ओके, अब अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज आते हैं। नंबर वन सिंपल एपिथेलियल एंड नंबर टू कंपाउंड एपिथेलियल। ओके, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर से मिलके बना हुआ होता है। मतलब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे एंड फंक्शंस एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। और सिंपल एपिथेलियल का फंक्शन क्या होगा? लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये बात हो गई फंक्शन की। अब कंपाउंड एपिथेलियम की अगर आप बात करते हो तो कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर दो या दो से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होंगी सेल्स की। ओके, एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एट इट डज इन आवर स्किन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। अब सिंपल एपिथेलियम को फर्दर आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो। कौन कौन से पार्ट हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, देन आपके पास आ जाता है क्यूबॉइडल एंड इन लास्ट यू हैव कॉल्यूमिना। देखो, नाम से ही आपको पता चलेगा, इन डायग्राम को देखते हो, अगर आप इस फिगर 7.1 को देखते हो तो सबसे पहले आपको स्क्वैमस दे रखा है, फ्लैट सेल्स। तो स्क्वैमस टिश्यू को आप क्या बोल देते हो? स्क्वैमस टिश्यू को आप फ्लैटेंड सेल्स भी बोल सकते हो, फ्लैट टिश्यू भी बोल सकते हो। फिर आपके पास क्यूबॉइडल टिश्यू आ जाता है। क्यूबॉइडल टिश्यू क्या है? क्यूब लाइक सेल्स होंगे। फिर आपके पास कॉल्यूमिनार आता है। कॉल्यूमिनार का मतलब क्या है? कॉल्यूमिनार का मतलब हो गया आपके पास कॉलम शेप्ड के सेल्स होंगे। ओके, एंड कॉल्यूमिनार सेल्स बियरिंग सीलिया, ये आपको दिख रहे हैं सीलिया प्रेजेंट है। तो ये कैसे सेल्स हैं? कॉल्यूमिनार और इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। ओके, नाउ अगर अब हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट होंगे विथ इररेगुलर बाउंड्रीज।
ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इरेग्युलर बाउंड्रीज प्रेजेंट है, यहाँ पे इरेग्युलर बाउंड्री है एज वेल एज फ्लैट सेल्स है। अब ये देखा जाए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, ठीक है। सेकेंड, अगर अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम की, तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ क्यूब सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स होंगे और कैसे होंगे, सिंगल लेयर होंगे। अब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी, एंड मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्यूबॉइडल एपिथीलियम का मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके। नाउ कॉलुमिनार एपिथीलियम की अगर हम बात करते हैं, कॉलुमिनार एपिथीलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, कॉलम शेप के टॉल एंड सिलेंडर लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से, ओके। दियर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, और कॉलमनार सेल्स में जो न्यूक्लियाई होगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी, एट द बेस, नियर द बेस, ओके, इस तरीके से। दियर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, फ्री सर्फेसेस में बियर माइक्रोवेलाई, और माइक्रोवेलाई भी प्रेजेंट हो सकती है। कहाँ प्रेजेंट होंगे कॉलमनार एपिथीलियम, कॉलमनार एपिथीलियम प्रेजेंट होंगे फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, जो कि हेल्प करेंगे सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ओके। अब अगर कॉलमनार एपिथीलियम या फिर क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो आप उसे बोल देते हो सीलिएटेड एपिथीलियम, क्या बोलते हो, सीलिएटेड एपिथीलियम। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथीलियम। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम, सीलिएटेड एपिथीलियम आपके हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस पे, जैसे कि ब्रोंकियोल्स एज वेल एज फेलोपियन ट्यूब्स। आपको सभी के सभी टिश्यूज के फंक्शन याद होने चाहिए, उनकी लोकेशन याद होनी चाहिए, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ अब अगर हम कॉलमनार सेल्स की बात करते हैं, तो कुछ कॉलमनार सेल्स या क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो कि ग्लैंडुलर होते हैं इन अपीयरेंस, ओके। ग्लैंडुलर कैसे होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं कॉलमनार टिश्यू के या फिर क्यूबॉइडल सेल्स के जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं सिक्रीशन का, जिन्हें आप ग्लैंडुलर एपिथीलियम बोल देते हो। अब ग्लैंडुलर एपिथीलियम भी आपके पास फर्दर दो टाइप का होता है, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपको क्या याद रखना है, यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल क्या है, गॉबलेट सेल्स, ओके। गॉबलेट सेल्स जो हैं वो यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम के एग्जाम्पल हैं, जबकि मल्टीसेल्युलर का एग्जाम्पल क्या होगा, सेलिवरी ग्लैंड्स। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड पूछा भी गया है, ओके। अब आपके पास यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स आ गए, मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम आ गया, अब क्या होगा, इनका सिक्रीशन होगा, तो इनके मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे भी इन्हें डिवाइड किया गया है, लाइक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे सेल्स, ऐसे चीज़ें सिक्रीट करते हैं जो कि डक्ट्स या ट्यूब के थ्रू सिक्रीट की जाती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज किए जाते हैं जो कि डक्ट्स या ट्यूब के थ्रू सिक्रीट होंगे। वहीं अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हो, तो एंडोक्राइन को आपको पता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप बोलते हो डक्टलेस ग्लैंड्स, क्या बोलते हो, डक्टलेस ग्लैंड्स। तो यहाँ पे कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, तो ऐसे ग्लैंड्स जहाँ पे डक्ट नहीं होती, डक्ट एब्सेंट होती है, उन्हें आप बोलते हो एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं, हमने सिंपल स्क्वामस पढ़ लिया, अब अगर हम कंपाउंड एपिथीलियम की बात करते हैं, तो कंपाउंड एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। कंपाउंड एपिथीलियम के अंदर एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होगी, आप बोल सकते हो, सिंपली बोल सकते हो मल्टी लेयर्ड होगा ये एपिथीलियम टिश्यू, ओके। सो यहाँ पे काफ़ी कम लिमिटेड रोल होता है यहाँ पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल
स्ट्रेस। कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन आपको याद रखना है, क्या फंक्शन है, कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ओके, अगर लोकेशन की बात करते हो तो दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फारिंक्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड एंड ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, तो ये बात हो गई कंपाउंड एपिथेलियम की। अब ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद द लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल। आपने देखा था कि जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे थोड़ा बहुत इंटरसेल्युलर मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशली जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स। क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, आपको पता है बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है यहाँ पे कुछ ना कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इन्हीं जंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। मेनली हम तीन टाइप के जंक्शंस के बारे में बात करेंगे। नंबर वन टाइट जंक्शन, देन एडहेरिंग जंक्शन एंड देन गैप जंक्शन। ओके, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन मतलब दो सेल्स के बीच में जो गैप होगा वो बिल्कुल मिनिमम होगा या फिर होगा ही नहीं। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे गैप होगा ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे गैप बिल्कुल भी नहीं, गैप नहीं है, टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या होगा, टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस आर टिश्यू। तो यहाँ पे सब्सटेंस जो होंगे वो लीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइट बाउंड्री बन चुकी है। सेकेंड आप बात करते हो अगर एडहेरिंग जंक्शन, तो एडहेरिंग जंक्शन का मतलब क्या होगा, दैट परफॉर्म्स सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे दो सेल्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे टिश्यूज बन रहे हैं, तो ये जो एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है ये क्यों क्रिएट हो रहा है, टू कीप दी सेल्स नियर बाय, टू कीप दी सेल्स टुगेदर। तो ऐसे जंक्शन को आप बोलते हो एडहेरिंग जंक्शन। एंड लास्ट में आपके पास आता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का काम क्या है, गैप जंक्शन फैसिलिटेट दी सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। गैप जंक्शन में क्या होगा कि जैसे कि ये आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप प्रेजेंट होगा तो गैप की मदद से क्या होगा, थोड़े बहुत जो छोटे छोटे आयंस होंगे वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ओके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो सकते हैं जो, और ये जो गैप जंक्शन होगा ये कनेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये बात हो गई तीन टाइप के जंक्शंस की। तो इसी के साथ आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ एक टिश्यू डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, आपको नोटबुक के अंदर एक जगह सारे एग्जांपल्स लिखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं एंड डेली बेसिस पे उन्हें रिवाइज करते चलना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।